हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने पुराने वीडियो में बात की थी कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज का जो पार्ट वन था वो हमने डिस्कस किया था आज इसका हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे कि कुछ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स की डिस्कशन हमने पुराने वीडियो में की थी अब उसके आगे हम बात करने जा रहे हैं जिन जो पुराने वीडियो को मिस कर गए वो यूट्यूब पर उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं वो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट पार्ट वन के नाम से है और ये हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट पार्ट टू के नाम से हम शुरू कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं curve, curve. -E आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी रोड पर चलते हैं तो किनारे कुछ पत्थर लगे रहते हैं कुछ आकृति बनी होती है जिसके कारण या इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना होता है कि आ, कभी भी आपका व्हीकल जो है वो उसके ऊपर चढ़ भी जाता है कभी नहीं भी चढ़ पाता है, एक प्रोटेक्शन तरह का लगा होता है वो कहलाता है वो कहलाते हैं कर्ब स्टोन तो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली बाउंड्री डिसाइड करने के लिए बनाया जाता है इट इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड शोल्डर तो जहां पेवमेंट खत्म होता है और शोल्डर का बाउंड्री डिसाइड करने के लिए इट इज डिजायरेबल टू प्रोवाइड कर्ब इन अर्बन एरियाज़ ये बहुत आवश्यक है कि अर्बन एरियाज़ में आपका कर्ब प्रोवाइड किया जाए टाइप्स ऑफ कर् तीन तरह के कर्ब होते हैं पहला लो और माउंटेबल कर्ब माउंटेबल मीन्स जिस पर चढ़ा जा सके ऊपर से निकल जा सके सेमे बेरियर टाइप कर् बैरियर मतलब किसी चीज को रोकना सेमी बैरियर मतलब पारशरी रोकना एंड बैरियर टाइप कर्व यानी कि उसके ऊपर से जाने ही नहीं देना लो माउंटेन जिसको पार किया जा सके सेमी बैरियर टाइप पार तो किया जा सके पर थोड़ा सा तकलीफ हो और बैरियर टाइप जिस जिसमें पूर्ण तरह से कोई भी विकल्प उस कर्व को क्रॉस ना कर सके अभी इसके मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बात लो माउंटेन कर्व्स इट अलाउ द ड्राइवर टू एंटर द शोल्डर एरिया विथ लिटिल डिफिकल्टी थोड़ी सी डिफिकल्टी के बाद वो एंटर कर जाए द हाइट ऑफ दिस टाइप ऑफ शोल्डर टेन सेंटीमीटर हाइट कितनी रखी जाएगी इसकी टेन सेंटीमीटर पेवमेंट से ऊपर विथ स्लोप टू हेल्प द विकल क्लाइंब कर्ब इजीली और उसमें एक स्लोप दिया रहेगा जिससे कि व्हीकल इजिली क्लाइंब कर जाए तो क्या हो गया लो और माउंटेबल कर्ब थोड़ी सी ज्यादा होगी वहां टेन सेंटीमीटर थी यहाँ फिफ्टीन सेंटीमीटर एबेंट एज दू वन ऑन द टॉप सेवन पॉइंट फाइव वहां पर स्लोप के साथ 7.5 सेंटीमीटर का टॉप होता है इट प्रिवेंट्स पार्किंग द व्हीकल बट ड्यूरिंग इमरजेंसी इट इज पॉसिबल टू ड्राइव ओवर दिस विद सम डिफिकल्टी मतलब वैसे ये कोशिश ये रहती है कि व्हीकल इस तरफ ना आए पर इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हीकल कैन टर्न विथ लिटिल डिफिकल्टी मतलब थोड़ा सा ऊपर उसको कोशिश करके वो अंदर चला जाए बैरियर टाइप कर्ब इट इज प्रोवाइडेड इन बिल्ट अप एरिया एडजेसेंट टू द फुटपाथ्स विद कंसीडरेबल पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जहां पर कंसीडरेबल पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक और फुटपाथ के पास बनाया जाता है जिससे कि गाड़ी इस पर ना चढ़े द हाइट ऑफ द कर्व इज अबाउट 20 सेंटीमीटर 10 15 20 याद करने के लिए लो 10 सेमी 15 बैरियर 20 ऑफ 1 वर्टिकल एंड 0.25 हॉरिजॉन्टल दिस इज द रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लोप सो देते हैं कर्ब देखिए अब कोई भी गाड़ी इधर नहीं जा सकती है ये हो गया आपका बैरियर टाइप कर्ब ऐसा ना हो कि ये इधर से ऊपर चला जाए ये सेमी बैरियर कर्ब सेमी बैरियर कर्व कैसा कि थोड़ी सी कोशिश करेगा तो इधर पे चला जाएगा ये लो और माउंटेबल कर्व की हाँ गाड़ी इसके ऊपर से जा सकती है यहाँ पार्किंग आर्किंग करना हो तो उसको जा सकता है तो देर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ और ये आपका क्या है पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक चलने के लिए कि यहाँ गार्डन में ना घुस जाए तो यहाँ से गाड़ी दी जा सकती सो देर इज दिस इज द कर्ब और ये कुछ इस तरह से स्टोन uh, लगे होते हैं तो ये जो लगे हुए हैं ये कर्ब स्टोन कहलाते हैं दीज आर दर्ब स्टोन तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी आगे चलते हैं रोड मार्जिन रोड मार्जिन की बात हमने पुराने वीडियो में की थी कि थीर्शन क्या था वो पूरा रास्ता क्या क्या मार्जिन है शोल्डर पार्किंग लेन बस बेस सर्विस रोड साइकिल ट्रैक फुटपाथ गार्ड रेल ये सब रोड मार्जिन में आते हैं जहां पर रोड मार्जिन हमने रखी थी अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे तो ये बात आपको मिल जाएगी तो शोल्डर में आपने अभी देखा कि शोल्डर भी हमने पड़े हुए थे कि क्या थे पार्किंग लेंस, बस बेस बस को निकलने के लिए एक बे बना दी जाती है बस बेस सर्विस रोड साइकिल ट्रैक फूटपाथ गार्ड रेल्स गार्ड रेल्स क्या लगी रहती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कर्व्स पर आपने देखा होगा ऐसी रेलिंग टाइप की लगा दी जाती है वो गार्ड रेल्स जिससे कोई भी व्हीकल अगर मुड़ते समय अगर रेल हो तो उससे टकरा के वो नीचे ना गिर जाए दिस इज द गार्ड रेल अभी इनके सभी के मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी है हम बात करते हैं पहले शोल्डर्स की शोल्डर्स शोल्डर समझिए ये हमारे शोल्डर्स हैं क्या काम है इन शोल्डर्स का कभी आपने सोचा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस शोल्डर्स ये हमारे कंधों का क्या यूज है हमारे कंधे बिल्ट है क्यों है ये कोई भी चीज सीधे आपका सिर या कान ये सबसे कमजोर चेहरा होता है आपका चेहरा सिर ये कमजोर है कोई भी चीज आने से पहले यहाँ पर टकराएगी दिस इज द प्रोटेक्शन ये जो कॉर्नर ये शोल्डर है ना हमारे ये ये हमको रोकते हमारी नेक को बचाते हमारे ईयर्स को बताते ये चीज तो शोल्डर तो वो शोल्डर यहाँ पर रोड पर भी बनाए जाते क्या होते हैं आइए देखते हैं

एज पर दर सी इंडियन रोड कांग्रेस उसके अनुसार दो दशमलव पांच मीटर होना चाहिए आपकी मिनिमम शोल्डर हैव सफिश लोड बियरिंग कैपेसिटी वेट वेदर मीन्स बारिश के समय बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए जैसे मैंने अभी पहले बात की यदि इसकी बियरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है और शोल्डर नीचे सेटल्ड uh, हो जाते हैं तो ऊपर सड़क का जो पेवमेंट है वो ऊपर हो जाता है शोल्डर नीचे जाते हैं और गाड़ियां फिर ऐसे-ऐसे होके निकलती हैं और उसके पलटने के चांसेस ऊपर नहीं, नहीं जाती है तो जिससे गाड़ी को नुकसान होता है और इसके साथ साथ गाड़ी के पलटने की संभावना भी बढ़ जाती है द सर्फेस ऑफ ऑफ द शुड बी रफर देन ट्रैफिक लेंस

ड्राइवर्स की टेंडेंसी होती है कि उसकी स्मूथ सरफेस नहीं है इस कारण से वो मेन रोड पर चले द कलर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रोड पेमेंट सो एज टू बी डिस्टिंग उसको अलग से बता सके यदि एक सा बना देंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ पर उसका शोल्डर है और कहाँ पर ये है ठीक है ना सो so, शोल्डर का कलर कैसा होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए ये देखिए शोल्डर ये सड़क के किनारे ये बनाए जाते हैं शोल्डर्स ये वाले शोल्डर्स दिस ये ट्रीटेड शोल्डर है बिल्कुल प्रॉपर और ये अनट्रीटेड है यहाँ घास आस है नीचे स्लोप है ये ट्रीटेड है यहाँ पर गाड़ी ये वाला ट्रक आके यहाँ खड़ा हो सकता है आराम से पर ये वाला ट्रक यहाँ आके नहीं खड़ा हो सकता था अन है तो देर इज अ टू टाइप ऑफ शोल्डर ट्रीटेड और अनट्रीटेड देखिए अनट्रीटेड में यहाँ ट्रीटेड में क्या है कि हर तरफ एक सी दूरी दिखाई दे रही है आपको है ना और अनट्रीटेड में जैसी जगह है उस हिसाब से तो ये मिट्टी के आधार पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये कहलाते हैं शोल्ड आइयो बात समझ में आई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं है, व्हीकल्स को पार्क करने के लिए एक लेन बनी होना चाहिए अभी आपसे बात की ना कर्ब की तो ये कहा बनाए जाते हैं अर्बन रोड्स पर जहां पर व्हीकल को पार्क किया जा सके एज फार एस पॉसिबल ओनली पैरल पार्किंग शुड बी अलाउड के हो. ऐसा है और व्हीकल अगर ऐसे खड़े होंगे तो वो पैरल पार्किंग नहीं कहलाएगी रोड के ही साथ साथ ऐसे व्हीकल खड़े हो जिससे की विजन का प्रॉब्लम ना हो और जगह कम लगे इट शुड बी सफिशियंट विथ ऑफ थ्री मीटर बस बेस

इंटरसेक्शन से फ्रंटेज रोड ड्राइव ये सब दूर रहना चाहिए साइकिल ट्रैक पेडिस्ट्रियन ट्रैफिक तो आपने सुना है पैदल चलने वाले मोटराइज्ड मोटर motor वाला साइकिल वाला क्या आएगा अब वो ना तो पेडिस्ट्रियन है ना मोटराइज्ड है उसके लिए स्पेशल ट्रैक दिया जाता है इट प्रोवाइडेड इन अर्बन एरियाज वेयर द वॉल्यूम ऑफ साइकिल ट्रैफिक ऑन द रोड इज वेरी हाई जहां पर लोग साइकिल का उपयोग अधिक करते हों आजकल बहुत कम हो गया है साइकिल का उपयोग लोग मॉर्निंग वॉक के मॉर्निंग साइकिलिंग के लिए जाते हैं एक्सरसाइज पर्पज से बट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अब साइकिल बहुत कम यूज करते हैं इनफैक्ट स्कूल के बच्चे भी अब व्हीकल्स चलाते हैं जो कि 18 इयर्स के नहीं है ये बहुत गलत बात है ये नहीं होना चाहिए यदि आपके पास लाइसेंस की एज आपकी नहीं हुई है तो उनके पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को व्हीकल ना दें मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि वो लोग जो 18 साल से कम हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो अपने बच्चों को व्हीकल ना दें और वो बच्चे स्वयं व्हीकल ना चलाए आपको एक जानकारी की बात और बता देता हूं हमारे नए मोटर व्हीकल एक्ट में यदि माइनर यानी बच्चा अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स पर भी कार्यवाही का प्रावधान आ गया है ये आप कहोगे की इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है बात पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हाईवे पर कैसे चलना है है। जानना भी बहुत जरूरी चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम विथ ऑफ सेवन फीट सात फुट का रास्ता होता है जिस पर साइकिलें आराम से मूव कर सकती है फुटपाथ फुटपाथ सभी जानते हैं जहां पैदल चलते हैं दीज आर दोवाइडेडर ज पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक दोनों का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है बॉम्बे में देखिए आप दिल्ली में देखिए तो तो इसलिए वो फुटपाथ बना दिया जाता है फुटपाथ पैरों से चलने वाला रास्ता सिर्फ जिसको हम हिंदी में कहते हैं फुटपाथ फुटपाथ हालाकि वहां पर आज अपने यहां पर अः लोग बाग दुकान लगा लेते हैं बट इट्स नॉट फॉर द शॉप इट्स फॉर द ट्रैफिक द प्रोटेक्ट सॉरी टू प्रोटेक्ट दिक्रीज एक्सीडेंट जैसे डेढ़ मीटर प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए फुटपाथ के लिए ये देखिए ये बेज कहलाती है इस तरह से ये रोड तो इधर पे है कोई व्हीकल यहाँ कर स्टे कर सकता है ये बस बेज ठीक है ना ये देखिए ये यहाँ पर आपके लिए पार्किंग के लिए बता रखा है और ये बेस बनी हुई है यहाँ पर ये बस बेस यहाँ पर कोई बस जा रही है यहाँ पर बस का ये देखिए बस स्टॉप बना हुआ है बस यहाँ रुक जाएगी बाकी जिससे व्हीकल इधर से आते जाते रहे देखिए इंटरसेक्शन वहां पर है यहाँ से बहुत दूर बनाई गई है ये भी एक बस बेस का एग्जाम्पल है ये बस स्टॉप बना हुआ है ठीक है ना तो ये बस बेस के लिए आपको बताई गई है कि देखिए व्हीकल यहां से निकल जाएगा और बसेस यहाँ रुकी रहेगी जिससे कि उस पर पैसेंजर्स आ सके देखिए शोल्डर ये फुटपाथ लोग पैदल चलने के लिए ये साइकिल ट्रैक तो ये साइकिल ट्रैक ये फुटपाथ ये हालांकि जो फोटोग्राफ्स हैं ये फॉरेन कंट्रीज की हैं लेकिन हमारे देश में भी कुछ शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है ठीक है ना क्या है मैं आपको एक बात बताऊं ट्रैफिक ना हो इसके लिए सभी लोगों में ट्रैफिक सेंस होना जरूरी है और हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे सभी लोगों में ट्रैफिक सेंस की कमी है हम यदि अपने साइड पर चलें सारे रूल फॉलो करें तो हमको हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको क्लच और ब्रेक का बार बार उपयोग नहीं करना पड़ेगा हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेंगे जिससे हमको माइलेज भी ज्यादा मिलेगा हमारे व्हीकल का वियर एंड टीयर भी कम होगा लेकिन हम दो या पांच मिनट अधिक ना लगे इस कारण से हम सारे लॉस को फॉलो नहीं करते जो कि बहुत गलत बात है तो हमको ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए ठीक है ये आपकी बात की मैं बीच बीच में इसलिए बात करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा तो कुछ ऐसी बातें आएंगी जो कि सिलेबस में नहीं है पर उनका जानना बहुत जरूरी है चलिए फुटपाथ के बाद गार्ड रेल इट इज प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर वेन द रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन फिल एक्सीड्स थ्री मीटर रोड फिलिंग में बना है तीन मीटर से ऊपर है ठीक है ना तो कहीं व्हीकल इधर ना चला जाए गिर ना जाए फिलिंग से तो वहां पर गार्ड रेल लगा दी जाती है जिनको हम रेलिंग कहते हैं

नाइट विजिबिलिटी ऑफ द कर्स अंडर द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल विजिबिलिटी बढ़ जाती है और सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है बराबर है है चलिए कैसी होती है? ये देखिए ये लगी हुई है गार्ड रेल्स ये कर्व पर लगी हुई है गार्ड रेल्स दीज आर द गार्ड रेल्स तो सारे एलिमेंट्स छोटे छोटे हैं पर इनका एक रोल है अभी तक आप लोग सड़क से निकलते होंगे हाईवे से निकलते होंगे ये सारे फीचर्स आपने देखे होंगे पर आपको ये तब समझ में नहीं आता होगा कि क्यों है तो आई होप आज के लेक्चर में आपको ये सारी बातें पता चली होंगी तो आज हमने बात की हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स पार्ट टू की तो आज के लेक्चर में इतना ही चलिए अगले लेक्चर में बात करेंगे आज के लिए बस यही समाप्त कर रहा हूँ थैंक यू